देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है अच्छा। लास्ट दिन जो है डिवेंचर मतलब रिटेम्शन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था ठीक है इशू नहीं इश्यू हो चुका है मतलब पहले कर हम लोग किए हैं चाहे फाउंडेशन में हो जिनका इंटर में है इंटर में ठीक है तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ ऑफ रिडेम और उसपे जो भी डिटेल लोगों ने किया था और उसके बाद तुम लोग आई होप कि ये सब थोड़ा सा एक बार रीड किए हो क्योंकि ये सब तो हमें कंसेप्ट चाहिए क्वेश्चन करने के लिए उसके बाद हम लोगों ने इलास्ट्रेशन फोर किया ठीक है अभी हम लोग इलास्ट्रेशन टू करेंगे जो कि सेम टाइप है ठीक है इसी के तरह इसीलिए मैंने होमवर्क के लिए भी बोला था तो पहले इलास्ट्रेशन टू कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बोला है देखो द फॉलोइंग बैलेंड इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी जो है ना जिस कंपनी का बात हो रहा है वो कंपनी अनलिस्टेड है इतना सारा डिटेल्स क्यों दिया हुआ रहता है जब भी कोई कंपनी अपना डिवेंचर रिडीम करती है तो उसे डी आर और डी ये बनाने का जरूरत होता है ये कितना परसेंट ये कितना परसेंट ये फिफ्टीन और ये कितना टेन परसेंट फिफ्टी का ठीक ये ये है जितना होगा, जिस टाइम में जितना मैच्योर होगा मतलब जितना हम लोग रिडीम कर रहे हैं उसका फिफ्टीन परसेंट हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ठीक है अब ये सभी को बनाना है ऐसा जरूरी नहीं होता है उसका हम लोगों ने एक टेबल जो है देखा था यहाँ पर ठीक है कि किनको बनाना चाहिए किनको नहीं बनाना चाहिए जिसका रूल्स जो है मतलब लॉ की तरह बताया हुआ है कि किन के लिए एप्लीकेबल है किन के लिए नहीं है ठीक है अब हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि इनको डी और डी बनाना है कि नहीं है जैसे यहाँ पर बोला है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ए आई एफ आई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एच एफ सी जैसे ही बोलेगा अनलिस्टेड कंपनी मतलब हम लोग अपना जो टेबल बनाए वहां पर हम लोग ये लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे ठीक है या फिर समरी देख लो ना सबसे बेस्ट है समरी क्योंकि इसको देख के तो याद नहीं रखना है मैंने जो समरी बताया था इसी से याद रह जाएगा अनलिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन क्या है ए आई एफ आई बैंकिंग एनबीएफसी एंड एच एफ सी ठीक है तो यहाँ पर डी आर आर किन को बनाना चाहिए अनलिस्टेड अदर्स को बनाना चाहिए लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड बैंक और अनलिस्टेड ए आई एफ आई है तो नहीं बनेगा ठीक है तो मुझे यहाँ पर बताओ कि इनका आर और आर डी आर आई अच्छा पहले आर पूछते हैं डी आर आर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ बोलो डी आर आर बनेगा कि नहीं बनेगा हाँ आर बनेगा और डी आर आई ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी बताओ आई का क्या था आई का लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड अदर ये बना सकती है तो ये किसमें पड़ रहा है अनलिस्टेड अदर में ना तो इनका आर डी आर आई क्या होगा बनेगा दोनों केस में ही बनेगा देखो कैसे समझना है यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी बोला है तो अनलिस्टेड अदर मतलब क्या आता है एनबीएफसी एच एफ सी के अलावा अगर कुछ है तो वो आता है अनलिस्टेड में ठीक है तो ये देखो तो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन इसको एक बार अगर हम लोग इग्नोर करते हैं अदर देन एनबीएफसी एच एफ सी ठीक है तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है सॉरी अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एनबीएफसी एच एफ सी है तो उनका देखो डी आर आर भी बनता है डी आर आई भी बनता है देखो जो कि यहाँ पर समरी में भी होगा अनलिस्टेड अदर्स अनलिस्टेड अदर्स अगर है तो डी आर आर और डी आर आई दोनों ही बनता है ठीक है तो अगर हम लोग देखें कि अनलिस्टेड कंपनी अब अदर मतलब क्या होता है अदर देन एनबीएफसी एंड एच एफ सी अगर ये बोला है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पर क्या होगा डी आर आर और डी आर आई बनेगा ठीक है क्योंकि समरी में तो वही बताया ना कि अनलिस्टेड अदर पे अनलिस्टेड uh, अदर अगर है तो डी आर आर डी आर आई दोनों ही एप्लीकेबल है ठीक है ये समरी में हमें ये पता चल रहा है। अब अदर का मतलब क्या होता है वो तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एनबीएफसी और एच के अलावा तो यहाँ पर तो वही बोला है ये ये मत पढ़ो एक बार देखो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन अगर इसको इग्नोर करते हैं अदर देन एनबीएफसी और एच तो इसका मतलब डी और डी भी बनेगा अच्छा अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या इंक्लूडेड है ये एआईएफआई भी नहीं है बैंकिंग कंपनी भी नहीं है तो यहां पर तो हम लोगों ने देखा था ना कि अगर आ, बैंकिंग कंपनी नहीं है तो ठीक है क्योंकि अनलिस्टेड बैंक होता है तो उनपे नहीं बनता है ठीक है तो और यहां पर देखो इसीलिए बोला, बोला है कि बैंकिंग कंपनी मतलब अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनी है ठीक है और यहां पर बोला है अदर देन अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनी मतलब ये अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनी नहीं है और यहां पर एआईएफआई भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है ना जस्ट इतना सा अगर तुम लोग याद रखो तो हो जाता है पूरा ये एक्सेप्शन अगर नहीं भी याद रखते हो कि हमें होता है ना तो अनलिस्टेड बैंकिंग है ठीक है तो इसका मतलब इस पे बन जाएगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते क्या बोला है इनके पास डिवेंचर कितना है यहाँ पर बोल रहा है थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड वन में सिक्स परसेंट मॉडगेज मॉडगेज का मतलब सिक्योर्ड ठीक है सिक्स परसेंट मॉडगेज

पे इंटरेस्ट मिलता है फोर परसेंट पर एनम कब मिलता है थर्टी दिसंबर एवरी ईयर मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है ना जैसे कोई एफ डी करते हो तो उस पर रिटर्न होता है ना तो रिटर्न कैसे आ रहा है तो वैसे ही बोल रहा है कि हर साल थर्टी फर्स्ट दिसंबर को होता है रिटर्न ठीक है वैसे एफडी का वैसा नहीं होता है एक साल पांच साल ऐसा स्कीम होता है उसके बाद रिटर्न होता है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक बैलेंस है कंपनी का द इंटरेस्ट ऑन अप टू थाउजेंड वन तक जो है पे करना है ऑन फेव टू थाउंडी एट मतलब यहाँ तक क्लियर है इंटरेस्ट फेव ट्वेंटी रियलाइज एट पार इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया क्यों बेचना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपना डिवेंचर रिडीम करना चाह रहे हैं तो डिवेंचर रिडीम करना है फ्यूचर में इसी वजह से तो डीआरआई क्रिएट किया जाता है तो जब भी रिडेम्शन करेंगे तो डीआरआई को बेच देंगे ठीक है यही तो हम लोगों ने लास्ट दिन ये सभी डिटेल्स में पढ़ा था तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेच दिया पर वैल्यू पे ठीक है मतलब जो उसका फेस वैल्यू है उतने पे बेच दिया एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101 तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया पर वैल्यू पे और डिवेंचर को जो रिडीम किया वो 101 पे किया है 100 का डिवेंचर 101 पे किया है यानी कि प्रीमियम पे किया है कितना प्रीमियम हो रहा है बता सकते हो कितना प्रीमियम हो रहा है हंड्रेड का डिवेंचर हंड्रेड में दे रहे हैं तो कितने का प्रीमियम हो रहा है वन रुपीज. वन रुपीज, वन रुपीज एक्स्ट्रा देंगे टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब दिया जाता है डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है कब दिया, दिया जाता है वो कहा लिखा हुआ था देखते हैं डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है कुछ बोला था क्वेश्चन में एक सेकेंड थर्टी दिसंबर ये दिख रहा है सिक्स परसेंट मॉडगेज इसका बताया है क्या कब कब दिया जाता है टेन थाउजेंड डिवेंचर फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बता दिया है ईयरली दिया दिया जाता है interest on had been paid. मतलब दिया है इंटरेस्ट ऑन अच्छा मतलब को तो फिर ईयरली होगा कुछ नहीं बोला है तो ईयरली होगा ठीक है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड वन तक इंटरेस्ट पे किया गया है उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्योंकि ये टू थाउजेंड टू के फेब में रिडीम कर रहे हैं तो कितने दिन का और भी इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा मतलब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन में दे तुम लोग समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे तो एक एक जन को डिवेंचर का हंड्रेड रुपीज किसी को किसी ने अगर एक डिवेंचर होल्ड किया है तो उन्हें हंड्रेड प्लस वन मिलेगा हंड्रेड तो फेस वैल्यू का मिलेगा वन रुपीस प्रीमियम का मिलेगा साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा क्यों मिलेगा लास्ट इंटरेस्ट कब दिया गया था दिसंबर दिसंबर को को इसके बाद को. इसके बाद कब दिया जाता लेकिन पहले ही रिडीम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो बन रहा है क्योंकि इनका पैसा कंपनी में पड़ा हुआ है एज अ लोन तो लोन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा लोन रिपे कर रहे हो बहुत अच्छा बात है लेकिन जब रिपे कर रहे हो उसके पहले तक अगर कोई इंटरेस्ट हुआ है वो तो देना पड़ेगा तो वो कितने दिन का हो रहा है बोल सकते हो नहीं समझ में आया मेरा बात ठीक है यहाँ पर बताते हैं बतातेशन टू देखो यहाँ पर दो महीना हाँ टू मंथ्स का करेक्ट टू मंथ्स का होगा ना डिसम्बर लास्ट दिए थे तो जैन फेब फेब ट्वेंटी एट का होता है ट्वेंटी नाइन होगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है लिपियर का तो टू मंथ्स टू मंथ्स का देना पड़ेगा वही हो रहा है ठीक है तो ये देखो थर्टी फर्स्ट 2001, टू थाउजेंड वन थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड वन यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर आ, इनका डिवेंचर दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिक्स परसेंट रेट वाला ठीक है मॉडगेज का मतलब है सिक्योर्ड वाला मोर्डगेज टेन थाउजेंड डिवेंचर मॉडगेज टेन थाउजेंड डिवेंचर मॉडगेज टेन थाउजेंड डिवेंचर एट द रेट ऑफ हंड्रेड इच ये क्या दिख रहा है ये कोई इश्यू नहीं किया गया ये बैलेंस दिख रहा है ठीक है ये बैलेंस दिख रहा है क्वेश्चन में बोला इस डेट पे इशू ऐसा नहीं है बैलेंस दिख रहा है अब क्या हो रहा है कंपनी का डी आर आर में है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इस सिचुएशन में कंपनी के पास डी आर आर में कितना बैलेंस है ये बता दिया है डी आर आर में इसी डेट पे बैलेंस कितना दिख रहा है डी आर आर में दिख रहा है फिफ्टी थाउजेंड और डी आर आई में दिख रहा है ठीक है डी आर आई में दिख रहा है यहां पर इन्वेस्टमेंट डिपोजिट ये रहा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर परसेंट इंटरेस्ट वन लैख्टी थाउजेंड फोर परसेंट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल कब होता है ईयरली होता है पेबल थर्टी फर्स्ट डिसंबर ठीक है थर्टी फर्स्ट डिसंबर को पे होता है फिर यहाँ पर बोल रहा है बैंक का बैलेंस है नाइन लाख तो बैंक का बैलेंस दिख रहा है नाइन लाख तो ये सारी चीज एक बार मैंने लिख ली है अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है ये क्लियर है ठीक है यहाँ तक का इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड फॉर डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर के लिए जो भी इंटरेस्ट देना है यहां तक का पूरा क्लियर है कुछ भी ड्यू वगैरह नहीं है अब ट्वेंटी फेब टू को ठीक है ट्वेंटी एट्थ ऑफ फेब 2002 को इन्होंने डिसाइड किया है कि डिवेंचर को करना है इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया ठीक तो है तो डी आर आई जो का इसको इन्होंने कर दिया सोल्ड आउट कर देते गया मतलब बेच दिया बेसिकली ठीक है मैंने सोल्ड आउट लिख दिया तुम लोग कुछ और लिखो तो लिख लो बेच दिया है और डिवेंचर रिडीम कर दिया डिवेंचर रिडीम एट द रेट ऑफ हंड्रेड वन ठीक है तो हंड्रेड वन का मतलब हंड्रेड फेस वैल्यू हंड्रेड फेस वैल्यू और वन रूपी प्रीमियम एक रुपया प्रीमियम देके रिडीम करना चाहते हैं अच्छा उसके बाद बोल रहा है टूगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट ठीक है ये हमें देख लेना चाहिए कि क्या कोई इंटरेस्ट बाकी हो रहा है तो वो भी देना पड़ेगा प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ठीक है तो एक्रूड इंटरेस्ट कितने दिन का हो रहा है यही मेरा क्वेश्चन था तो लास्ट यहाँ पर इंटरेस्ट पे हुआ था तो डिसंबर कंप्लीट जैन और फेब तो यहाँ पर ये टू मंथस का यहां से यहाँ का जो पीरियड है ये टू मंथस का बन रहा है तो एक्रूड इंटरेस्ट कितने महीने का पे करना पड़ेगा टू मंथ का इनको पे करना पड़ेगा राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांसफेक्ट

क्या ये बना हुआ है फिफ्टीन परसेंट ऑफ जो है मैच्योर्ड डिवेंचर मतलब जो इस बार रिडीम होने वाला है ये बना हुआ है कि नहीं ये चेक करना चाहिए फिर स्टेप थ्री में हमें क्या करना पड़ेगा हम लोग अपना जो डी है इसको कर देंगे इसको सेल कर देंगे ठीक है और इस पर अगर कुछ इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो रिसीव कर लेंगे तो इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए तो वो भी हमें ले लेना है और स्टेप फोर में हम लोग फिर क्या करेंगे जैसे पैसा आ गया अब हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे ठीक है तो डिवेंचर रिडीम करेंगे प्लस इस पर अगर कुछ इंटरेस्ट बन रहा है मतलब इंटरेस्ट पेबल इसमें भी लिख सकते हैं जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट पेबल ये अगर कुछ है तो वो भी हमें पे करना पड़ेगा फिर लास्ट स्टेप जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा डीआरआर में अगर कुछ बच्चा है डीआरआर जो बना हुआ है उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में ठीक है ये सारे चीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा ठीक है अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं तो जस्ट यही स्टेप फॉलो करके हमें कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करना है अच्छा हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाएंगे तो ना है बोलो ना की लिए से ना आपके है देखते बात छोड़ो अच्छा अच्छा ठीक है देखो हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाएंगे देख लेते हैं देखो हम लोग अकाउंट क्या क्या बनना चाहिए तो एक तो हम लोगों का डिवेंचर का अकाउंट बनेगा तो हम लोग बना लेते हैं सिक्स परसेंट डिवेंचर लेजर का तो हमें कुछ नाम नहीं बोला है तो हम लोग अपने हिसाब से बना सकते जो भी हमें वैलिड लगता है तो सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट अच्छा नहीं, में हो जाएगा सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट अच्छा और क्या बनाएंगे डी आर आर डी आर आर अकाउंट बना लेते हैं डी आर आर अकाउंट फिर बनाएंगे डी आर आई गुड इवनिंग डी आर आई अकाउंट इसके बाद और क्या बनना चाहिए डी आर आई अकाउंट बैंक तो मना किया है फिर भी चाहो तो बना सकते हो बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर पहले हम डिवेंचर होल्डर बना लेते हैं लास्ट में बैंक बना लेंगे क्योंकि बैंक हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि बोला है एक्सक्लूडिंग हम ऐसे ही बना ले रहे हैं एक नॉलेज के लिए ठीक है तो इसीलिए उसको लास्ट में बनाएंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट और बैंक अकाउंट बस और कुछ नहीं चाहिए ठीक है यही सब मेन अकाउंट है अब हम लोग क्योंकि यहाँ पर सारा डिटेल्स लिख लिए हैं तो इससे हम लोग आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग सारे बैलेंस जो भी है वो लिख लेंगे ठीक है तो बैलेंस जो भी है हमारे पास थर्टी फर्स्ट डिसंबर के लिए बैलेंस अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर देखो डिवेंचर कितना पड़ा हुआ है सिक्स परसेंट मॉडगेज डिवेंचर है टेन थाउजेंड डिवेंचर हंड्रेड इच तो लाइबिलिटी है लोन है तो लोन कितना है वो हम लोग लिख लेते हैं तो ये है थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड वन तो ये का दिखा रहे हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से लिख सकते हैं तो वन वन टू थाउजेंड टू यहां पर लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ना ब्रॉड डाउन कर रहे है, तो बाई बैलेंस हो रहा है ठीक है थर्टी फर्स्ट डिसंबर की जगह हमें एक तारीख लिखना चाहिए है ना फर्स्ट डे लिखना चाहिए ये थर्टी फर्स्ट डिसंबर को क्लोजिंग दिख रहा था और ये कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड टेन थाउजेंड इंटू तो ये हो गया कुछ इतना ठीक है ये हो गया टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड अच्छा इसके बाद और क्या डिटेल से ये हम लोगों ने लिख लिया फिर यहां पर डी आर आर में है फिफ्टी थाउजेंड तो डी आर आर का लिख लेते हैं सेम वैसे ही तो डी आर आर हम लोग का लाइबिलिटी है तो बाई बी फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अच्छा इसके बाद डी के बाद डी आर आई लिख लेते हैं वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो डी आर आई लिख लेंगे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन वन टू थाउजेंड टू टू बैलेंस बी टी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अच्छा तो देखो हम लोगों ने ये लिख लिया ठीक है ये भी लिख लिया ये भी लिख लिया ठीक है अच्छा इंटरेस्ट का पेबल है वो डेट हमें देखना है बैंक बैलेंस बैंक का अकाउंट बनाए नाइन लैख का बैंक बैलेंस है एसेट साइड में जाएगा टू बैलेंस बी टी नाइन लैख अच्छा तो ये बैलेंस हम लोगों ने लिख लिया अच्छा इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद हमारा सारा ट्रांजैक्शन ट्वेंटी एट ऑफ पेप का ही होगा और तो कुछ नहीं होगा ट्वेंटी एट ऑफ पेप को हम लोगों ने क्या किया हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसे बेच दिया और वो भी पर वैल्यू में बेचा पर वैल्यू में बेचा मतलब कितना मिला बताओ कितना पैसा मिला बेच के पर वैल्यू में बेचने का मतलब कितना पैसा मिला अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो वन लैख फिफ्टी का ही था इसका तो और कोई वैल्यू हमें बताया नहीं था तो यही हम लोग का पर वैल्यू होगा तो इतना इतना ही मिला है ठीक है तो क्या एंट्री होगा अगर हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया पैसा मिला तो एंट्री क्या होगा क्या लिखना चाहिए बोलो इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री क्या होता है बैंक इन्वेस्टमेंट हाँ, बैंक इन्वेस्टमेंट लेकिन यहाँ पर आ, कहां पर जाएगा कौन से वाले अकाउंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट तो हमारा कुछ नहीं है डी आर आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बैंक टू डी आर आई तो डी आर आई में लिखेंगे बाई बैंक ट्वेंटी एट फेब को बाई बैंक वन लैक फिफ्टी थाउजेंड अच्छा बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे आर आई, ठीक है तो अच्छा सॉरी गलत हो गया पहले पहले तो मुझे चेक करना चाहिए ना मतलब ठीक है एंट्री कर दिया मैंने वो सही है लेकिन पहले चेक करेंगे कि टेन परसेंट अब ये सब वैलिड है कि नहीं वो तो चेक किया नहीं मैंने पहले एंट्री करना स्टार्ट कर दिया वो देखना चाहिए था डी आर आर टेन परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होना चाहिए तो डी आर आर कितना होना चाहिए बताओ डीआरआर अगर टेन परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होना चाहिए पहले तो ये सब चेक करेंगे ना स्टेप वाइज चलेंगे तो मैंने क्या किया मैंने पहले ये एंट्री डालना स्टार्ट कर दिया ये नहीं पहले मुझे क्या करना है पहले स्टेप चेक करना है तो मुझे बताओ कि मेरा डीआरआर कितने का बनना चाहिए उतना है कि नहीं चेक कर लेंगे कितना डी बनना चाहिए बोलो कितना डीआरआर बनना चाहिए आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मतलब जितना भी लोन बाकी है एक लाख में हम्म एक लाख ये देखो टेन लाख है ना लोन लोन का अमाउंट अभी कितना आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इस क्वेश्चन के लिए कितना एप्लीकेबल है टेन लाख और इसका टेन परसेंट ये तो अकाउंट में ही दिख रहा है ना कितना होगा तो वन लाख होना चाहिए क्या वन लाख है हमारे पास देखो वन लाख है कि नहीं कहा दिखेगा डी में दिखेगा वन लाख नहीं है फिफ्टी है तो पहले तो इसको एक्ट पर करना पड़ेगा तो इस पे कितना हम लोगों को और भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बोलो और कितना इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि एक लाख हो जाए जाएजेंड ठीक है फिफ्टी थाउजेंड कहाँ से लेना पड़ेगा कहाँ से लेना है बोलो लिखवा दिया था मैंने लास्ट दिन बोलो कहां से लेना पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड कहाँ से क्रिएट किया जाता है डी आर आर सारे नोट्स तो लिखवाए हैं देखो डी आर आर कहा से क्रिएट करना है प्री फ्री रिजर्व सब तो लिखवाया है हाउ मच देखो यहाँ पर सब लिखवाया हुआ वा है मेरा कहाँ से क्रिएट करना है क्रिएट क्रिएट आउट ऑफ फ्री रिजर्व तो अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग फ्री रिजर्व से क्रिएट करना है अब इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि हमारे पास फ्री रिजर्व के तौर पे क्या है मतलब पीएल है जनरल रिजर्व है कुछ नहीं बताया तो इसके लिए भी मैंने बोला था हम लोग चाहे तो बाई पी कर सकते हैं या बाई जनरल रिजर्व कर सकते हैं रिजर्व से पैसा लेंगे तो रिजर्व जो है हमारा डेबिट हो जाएगा तो यहाँ पर ट्वेंटी टू सबसे पहले हम लोग डी को एड पर करेंगे तो बाई जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो बाई पी भी लिख सकते हो एक ही बात है ठीक है क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में अगर बोलेगा तो हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे कि किस में अवेलेबिलिटी है फिफ्टी थाउजेंड का हम लोगों ने जनरल रिजर्व से पैसा ले लिया सॉरी जनरल रिजर्व से अमाउंट लिया और इसको डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया अब नेक्स्ट चेक करना है डी जो है वो एट पर है कि नहीं तो चेक करो डी आर आई एट पर होगा कि नहीं कितना डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है कि हमें इतने में से इतना करना है मतलब पूरा ही करना है तो अगर पूरा डिवेंचर रिडीम करना है तो कितना डीआरआई होना चाहिए 150. 1 ,50, अगर वन लैख फिफ्टी है तब तो सही है 1 ,50 है है ठीक तो इसका मतलब स्टेप 1, स्टेप 2 चेक होने के बाद ही स्टेप 3 होना चाहिए मैंने गलती से पहले को बेच दिया अभी interest receivable वाले point पे आते है आते हैं आई हम लोगों ने बेच दिया है अच्छा अब इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या हमारा कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा कि नहीं वो हमें चेक कर लेना चाहिए तो इनका इंटरेस्ट मिलता है थर्टी दिसंबर एवरी ईयर को ठीक है तो थर्टी फर्स्ट so 2001 एवरी तो एक बार मिल चुका है क्या अभी और मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा ठीक है क्या अभी और मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा तो मिलेगा टू मंथ्स का तो मिलेगा ना हम लोग का दिसंबर में मैच्योर होने वाला था सॉरी दिसंबर में इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन हम लोग पहले सेल कर रहे हैं तो फिर हमें टू मंथ्स का मिल जाएगा दिसंबर तक वेट करते तो पूरे वन ईयर का मिलता तो टू मंथ्स का मिल जाएगा तो इंटरेस्ट मिलने से एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट मिलने से एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिखेंगे कब मिलेगा ट्वेंटी इंटरेस्ट तो हमें मिल जाएगा जाएगा तो टू क्या हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है पर वैल्यू पे यही पर वैल्यू है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर परसेंट रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा इंटू टू बाई ट्वेल्व टू मंथ के लिए मिलेगा तो कितना हो रहा है देख लो फोर परसेंट डिवाइडेड बाई सिक्स 1000। वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा अच्छा ये हो गया अच्छा हम लोगों ने इंटरेस्ट का तो कोई अकाउंट बनाया नहीं कि उस क्रॉस पोस्टिंग करते चलो ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी चेक कर लिया इसके बाद हम लोग डिवेंचर रीडिंग करेंगे और उस उसपे कोई इंटरेस्ट पेबल होगा तो वो करेंगे तो उसका एंट्री क्या होता है पहले डिवेंचर को ड्यूक किया जाता है तो ऐसे हो जाएगा लोन हमारा कैंसिल हो रहा है तो सिक्स ये एंट्री हम लोग लिखे थे लास्ट दिन भी सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्शन क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्शन जो कि एक लॉस होता है डेबिट टू किसको देना है डिवेंचर होल्डर को अब डिवेंचर होल्डर ही क्यों लिखा जाता है नाम क्यों नहीं लिखा जाता है जैसे क्रेडिटर का लिखते हैं इतने सारे लोगों का नाम लिखना पॉसिबल है फिर तो एक एक जन का नाम लिखते जाएंगे तो बस हो गया तो इसीलिए डिवेंचर होल्डर लिखा जाता है ठीक है अब पोस्टिंग कैसे होगा सिक्स परसेंट मतलब ये हो गया सिक्स परसेंट डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और प्रीमियम ऑन रिडेम्शन टू डिवेंचर होल्डर तो हमें सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट में क्या लिखना चाहिए सिक्स परसेंट डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर आएगा ठीक है तो और प्रीमियम ऑन रिडेमशन टू डिवेंचर होल्डर तो सिक्स परसेंट डिवेंचर में लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर पहले ये लिख लेते हैं ट्वेंटी टू डिवेंचर होल्डर ठीक है अमाउंट भी लिख लेते कितना होगा पहले पुट कर लेते ठीक है प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर ठीक है अब प्रीमियम का तो अकाउंट मैंने बनाया है नहीं कोई बात नहीं हम लोग डिवेंचर होल्डर में लिखेंगे यहां पर डिवेंचर होल्डर में क्या जाएगा बाई सिक्स परसेंट डिवेंचर बाई सिक्स परसेंट डिवेंचर और बाई प्रीमियम ऑन रिटेम्शन बाई प्रीमियम ऑन रिटेम्शन

टेन थाउजेंड तो टोटल डिवेंचर होल्डर को ड्यू हो जाएगा टेन लैख टेन थाउजेंड ठीक है अब जब इसके बाद का क्या एंट्री होगा अच्छा पहले हम लोग सिक्वेंस देख लेते हैं हम लोगों ने ड्यू कर दिया ड्यू करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा क्या इनको कोई इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेबल होगा टू मंथ्स का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ठीक है तो उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फिर टोटल अमाउंट हम लोग पे कर देंगे ठीक है अच्छा तो अब अगर इंटरेस्ट पे करना है तो इसका कैसे एंट्री होगा देखो एक मिल्ट। एक मिल्ट। ठीक है तो देखो यहाँ पर हम लोग टू मंथ्स का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर पे करना है तो उसका एंट्री कैसे होगा डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर पे करना है तो उसका एंट्री हो जाएगा आ, मतलब टू बैंक हो जाएगा ठीक है सीधा बात है कि हमें पेमेंट करना है तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा और एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट में हम लोग का एंट्री होगा फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मतलब इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ेगा यहां पर ट्वेंटी एट ऑफ फे टू थाउजेंड जैसे ये टू इंटरेस्ट है ये हो जाएगा बाई इंटरेस्ट कितना पेबल हो रहा है कितना डिवेंचर है टेन थाउजेंड डिवेंचर है हंड्रेड रुपीज वाला और इंटरेस्ट का रेट हो रहा है सिक्स परसेंट क्वेश्चन में बता दिया है और टू मंथ्स का लगेगा कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा देखते हैं टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड हो रहा है ना टेन थाउजेंड हो रहा है ठीक है टेन थाउजेंड पे करना पड़ेगा और इसके बाद इंटरेस्ट पेबल और उसके बाद बाकी अमाउंट भी हमें पे करना पड़ेगा अच्छा इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दे अच्छा इंटरेस्ट अकाउंट तो बनाया नहीं अच्छा ये हो गया अच्छा इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि डिवेंचर होल्डर को कितना पे कर रहे तो डिवेंचर होल्डर को जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा कितना पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट का तो हम लोग सेपरेट एंट्री करते हैं और पेमेंट कितना करना पड़ेगा टेन लैख प्लस जो प्रीमियम का टेन थाउजेंड टेन लैख टेन थाउजेंड ये वाला एंट्री हो जाएगा टेन लाख टेन थाउजेंड से इतना हम लोगों को पे करना पड़ेगा अपने डिवेंचर होल्डर को तो इसका एंट्री करेंगे बैंक में चला जाएगा बाई डिवेंचर होल्डर बोल के तो ये टू है ऐसे करके लिखा हुआ बाई डिवेंचर होल्डर टेन लैख टेन थाउजेंड ठीक है अब ये डिवेंचर होल्डर में चला जाएगा टू बैंक कितना पेमेंट करना है टेन लैख और टेन थाउजेंड तो ये हो गया टेन लैख टेन थाउजेंड ठीक था। है अच्छा और तो कुछ है नहीं अब हमें क्या करना है एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते जाना है तो ये जो सिक्स परसेंट डिवेंचर है ये क्लोज हो जाएगा ठीक है तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि टेन लैख हम लोग का लोन था पहले इसको जब क्लोज कर रहे तो इसका मतलब क्या हो रहा है टेन लैख हम लोग का लोन था वो लोन हम लोगों ने पे करने के लिए ड्यू किया है ठीक है अब पेमेंट हुआ है कि नहीं आगे देख लेंगे डी आर का क्या करना है डी आर का अमाउंट हमें जनरलिजर्म में ट्रांसफर करना है ये देखो लास्ट स्टेप यहाँ पर, यहाँ पर, लास्ट स्टेप, का अमाउंट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो डी आर आर को क्लोज करेंगे यहां पर हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड वन लेख ट्वेंटी एट ऑफ फेफ टू थाउजेंड टू टू जेनरल रिजर्व वन लैख ये क्लोज हो गया डी आर आर अच्छा डी आर आई इसका चेक करते हैं ये भी क्लोज हो जाएगा वन लैख फिफ्टी का हम लोग का इन्वेस्टमेंट था जिसको हम लोगों ने सेल कर दिया सेल करने पे हमें वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ही मिला पर वैल्यू पे किया नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ठीक है अच्छा इसके बाद यहाँ पर डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर का टेन लैख टेन थाउजेंड ड्यू हुआ था और हम लोगों ने वही पे भी कर दिया टेन लैख टेन थाउजेंड अच्छा अब बैंक अकाउंट का अगर देखेंगे तो बैंक में बैलेंस कितना था कितना आया कितना पेमेंट हुआ उस हिसाब से देखेंगे तो बैंक में बैलेंस था नाइन लैख फिर उसके बाद आ, ये क्या हो गया नाइन लैख फिर उसमें हम लोग का पता नहीं क्या इनटू हो जा रहा है मल्टीप्लाई हो जा रहा है नाइन लैख वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसा आया थाउजेंड इंटरेस्ट से मिला तो ये हो गया टेन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड मिल गया और उसमें से पेमेंट करना पड़ा हम लोग को टेन लैख टेन डिवेंचर होल्डर को ये प्रीमियम के साथ और ये इंटरेस्ट मतलब टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंडर्टी वन थाउजेंड बच जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी ठीक है तो ये अमाउंट हम लोग का बच गया अच्छा तो ये इलास्ट्रेशन टू हो गया जो कि हम लोग का इलास्ट्रेशन फोर के तरह ही था ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इलास्ट्रेशन ठीक है अभी हम लोग करेंगे लेकिन ये दूसरे कंसेप्ट है मतलब दूसरा कंसेप्ट मतलब कौन सा ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया था ये वाला हम लोग का हो चुका ठीक है हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया था कि कितने तरीके से हम लोग अपना डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने फोर मेथड्स देखे थे ये देखो ये था हम लोगों का ये वाला कन्वर्जन इन टू शेयर ये अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन ये भी नहीं किया है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और पेमेंट इन लमसम तो अभी हम लोग पेमेंट इन लमसम ही कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट तो नहीं हो रहा है अभी तक हम लोगों ने जो भी दो question किया, lump sum ही किया, जो भी क्वेश्चन किया किया लमसम ही अमाउंट था वो पूरा पे हो गया कोई इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा अभी हम लोग कौन सा करेंगे ये वाला इलास्ट्रेशन वन जो है वो इस क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड है कि परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन ठीक है तो पहले हम लोग इसका सेप्ट देख लेते हैं कि इसमें कैसे होता है यहां पर हेडिंग करेंगे परचेज इन ओपन मार्केट फॉर Immediate कैंसिलेशन तो परचेज क्या करना है एक्चुअली इस प्रोसेस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं परचेज ऑफ इसको हम लोग ऐसे बोल सकते परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ठीक है ओन डिवेंचर बोलते हैं मतलब ये ये कैसे होता है देखो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी कंपनी सबसे पहले डिवेंचर इशू करती होगी ठीक है कंपनी ने क्या किया डिवेंचर इशू कर दिया इशू डिवेंचर ठीक है तो डिवेंचर जब इशू किया सपोज कि डिवेंचर का फेस वैल्यू है सपोज फेस वैल्यू है हंड्रेड ठीक है अब कंपनी पार में डिस्काउंट में या फिर प्रीमियम में इशू कर सकती है सपोज कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है फेस वैल्यू जिसका हंड्रेड रुपीज है तो उसके कंपनी का क्या जेनरेट होता है लाइबिलिटी जेनरेट होता है ये इशू करने पे कंपनी का क्या जेनरेट होता है लाइबिलिटी जेनरेट होता है क्योंकि कंपनी लोन ले रही है डिवेंचर के थ्रू से ठीक है लाइबिलिटी जेनरेट होता है और कंपनी एंट्री कैसे करती है अगर हम लोग एंट्री देखें तो इसका एंट्री ऐसे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट अगर हम एक ही ये हंड्रेड रुपीज का दिखाते टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर जो भी परसेंटेज रहेगा हंड्रेड रुपीज मतलब सौ रुपए का लोन ठीक है ये एग्जाम्पल के लिए अब क्या होता है डिवेंचर का अपना एक मार्केट प्राइस होता है ठीक है डिवेंचर जो है मार्केट में उसका प्राइस जो है अब, आ, मतलब चेंज हो सकता है ठीक है अब मान लो कि इसका मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज ये डिवेंचर इशू होने के बाद इसका मार्केट प्राइस चल रहा है मार्केट प्राइस बन गया है सपोज नाइन्टी एट ठीक है मार्केट प्राइस बन गया है नाइन्टी एट अब मार्केट में जैसे शेयर खरीदा बेचा जाता है तो डिवेंचर भी तो जो है खरीद सकता है कोई भी तो कंपनी भी तो अपना डिवेंचर खुद खरीद सकती है ठीक है अब ये मार्केट में जो डिवेंचर है उसको कोई भी खरीद सकता है तो वैसे कंपनी भी खरीद सकती है इसीलिए इसका नाम है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ठीक है अब क्यों खरीदती है वो हम लोग देखेंगे तो ये जो मार्केट प्राइस है डिवेंचर का अब इस ये मार्केट में सब कोई परचेस कर सकता है कंपनी भी परचेस कर सकती है ठीक है तो मार्केट प्राइस में कंपनी क्या करेगी अब कंपनी क्या कर रही है कंपनी परचेस कर रही है ठीक है परचेस इट्स ओन डिवेंचर खुद का डिवेंचर ही खुद परचेस कर लेगी मार्केट प्राइस पे क्योंकि मार्केट से कर रही है जब इशू किया था तब तो इतना था मार्केट रेट अभी इतना चल रहा है तो अगर कोई खरीदना चाह रहा है उसे 98 98 में में खरीदना पड़ेगा ठीक है है उसको 98 में मिल जाएगा अग, अब कंपनी बोल रही है, हम हम खुद ही अपना डिवेंचर खरीदेंगे जो की नाइन्टी में चल रहा है मार्केट में ठीक है तो जैसे कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है देखो कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है तो उसका लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है अब कंपनी अगर डिवेंचर खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस करेगी तो कंपनी का क्या जेनरेट होगा बोल सकते हो कंपनी ने क्या किया ओन डिवेंचर परचेस कर लिया कितने में एट द रेट ऑफ 98 ठीक है तो मुझे बोलो कि कंपनी का क्या जेनरेट हुआ फिर से लाइबिलिटी या एसेट एसेट जनरेट हो जाएगा क्योंकि अभी डिवेंचर खरीद रही है तो वो डिवेंचर होल्डर बन चुकी है अपने ही कंपनी का ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ही कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन चुकी है और ये जो एसेट है इस एसेट का नाम क्या है जैसे एसेट का नाम होता है ना जैसे लैंड होता है बिल्डिंग होता है फर्नीचर होता है प्लांट एंड मशीनरी होता है तो इस एसेट का नाम हम लोग देंगे ओन डिवेंचर ठीक है इस एसेट का नाम दिया जाता है ओन डिवेंचर और इसका एंट्री कैसे होगा इसका एंट्री ऐसे होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट एसेट खरीदने से क्या होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा कितने में मिल गया नाइनटी एट में जो मार्केट रेट चल रहा है तभी तो मार्केट से खरीदा गया है ना तो 98 ठीक है मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा ये इशू कर सकती है ठीक है तो ये इशू करने के बाद क्या हो गया इन्होंने खुद ही अपना डिवेंचर खुद खरीद लिया जब इशू किया लाइबिलिटी क्योंकि लोन था और जब खुद खरीद रहे हैं तो बाकी डिवेंचर होल्डर की तरह यह भी एक डिवेंचर होल्डर है हाँ कंसेप्ट ये हो रहा है कि मेरा ही कंपनी मैंने ही डिवेंचर इशू किया फिर मैंने ही उसी डिवेंचर को खरीद लिया और आ, मेरे लिए वो एसेट बन गया ठीक है क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदना इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी अगर खुद ही खुद का डिवेंचर खरीद रही है तो वो तो उसके लिए एसेट एसेट हो हो गया 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 पर एसेट का नाम हो गया, ओन डिवेंचर जो कि इनको 98 में मिल गया. अब लेना है साथ ही साथ कैंसिल करना है लेने का रीजन क्या है कि हम लोग अपने डिवेंचर को रिडीम करना चाहते हैं लेकिन अभी हम लोग रिडीम का प्रोसेस क्या ले रहे हैं खुद ही खुद का डिवेंचर खरीद लेंगे फिर उसे कैंसिल कर देंगे ठीक है तो इमीडिएटली अब इसके बाद बाद क्या करना है इसके हम लोगों को कैंसिल करना है है ठीक अगर हम लोग इस डिवेंचर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल होगा अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमारा स्टेप है कि हम लोगों को करना है कैंसिल कैंसिलेशन करना है ठीक है तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा जो हमारा बैलेंस शीट है वहां पर क्या दिख रहा है वहां पर डिवेंचर भी दिख रहा है मान लो सिक्स परसेंट है फॉर एग्जांपल सिक्स परसेंट डिवेंचर दिख रहा है और इधर जो है इन्वेस्टमेंट के अंडर हमें दिखेगा कि हम लोगों ने डिवेंचर होल्ड कर रखा है ठीक है डिवेंचर यहाँ भी दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे कैंसिल जब करेंगे हमारा लाइबिलिटी भी खत्म होगा और एसेट भी खत्म होगा ठीक है हम लोगों को क्या करना है लाइबिलिटी और एसेट में सेट ऑफ कर देना है ठीक है हम लोग कैंसिल अगर करेंगे कैंसिल करने का मतलब क्या होगा हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का कुछ डिवेंचर है जो की सौ रुपए का रिडीम कर, मतलब करना चाह रहे हैं हम लोग लोन पे ऑफ कर देंगे तो फिर यहां से ऐसे पे जो है वो उतने का चला जाएगा तो इसका एंट्री कैसे होगा तो इसका एंट्री ऐसे होगा देखो जब हम लोग का लाइबिलिटी चला जा रहा है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे लाइबिलिटी हम लोग का कितने का था लाइवलिटी हम लोग का हंड्रेड रुपीज का था एसेट कितने का था नाइनटी एट रुपीज का था ये देखो लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी अगर देखे तो लाइबिलिटी कितने का बना था हंड्रेड रुपीज लाइबिलिटी का नाम था डिवेंचर और जो एसेट हम लोगों ने लिया वो कितने का था वो नाइनटी एट का था लाइबिलिटी जो है वो नॉर्मली हम लोगों का क्या होता है क्रेडिट होता है हम लोग को इसे कैंसिल करना है तो क्या करेंगे डेबिट और एसेट हम लोगों ने डेबिट किया था अब जब कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा तो इसमें हमारा एक प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है अच्छा मैंने प्रॉफिट बता दिया मैं मुझे तुम लोगों से पूछना था कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है देखो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है बोल सकते हो हंड्रेड रुपीज के लाइबिलिटी को हम लोग नाइनटी एट सेट ऑफ कर दे रहे हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है टू रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है क्यों प्रॉफिट हो रहा है मेरा लाइबिलिटी था हंड्रेड उसको हम कैंसिल कर रहे हैं नाइनटी एट से तो मुझे दो रुपए एक्स्ट्रा मिल गए मतलब दो रुपए मुझे नहीं पे करना पड़ा एक्स्ट्रा नहीं मिला मतलब दो रुपए मैंने कम पे किया तो मेरा प्रॉफिट हो गया इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इसे बोला जाता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ठीक है अब इसका एंट्री कैसे होता है ये पूरा जो डिटेल्स है इसका एंट्री ऐसे हो जाएगा ये देखो जब परचेज होगा तो मैंने यहां पर एंट्री शायद लिख दिया हाँ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दिया अब कैंसिलेशन का एंट्री लिखता है ठीक है मैंने यहाँ पर डिवेंचर इशू का एंट्री लिखा और यहां पर अपना डिवेंचर परचेज करने का एंट्री लिखा अब कैंसिलेशन का एंट्री लिख के दिखाते हैं कैंसिलेशन का एंट्री कैसे होगा ये देखो यहां पर लिखेंगे डिवेंचर खत्म हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना है हंड्रेड रुपीस का डिवेंचर चला जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट से ठीक है और हम लोग का एसेट चला जा रहा है एसेट क्रेडिट हो जाएगा एसेट का नाम क्या है ओन डिवेंचर तो यहाँ पर लिखेंगे टू टू ओन ओन 98 एसेट को क्या करना है क्रेडिट करना है डिवेंचर को क्या करना है डेबिट और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ टू रूपीज का तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या फिर टू पी भी लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हो गया टू रुपीज ठीक है ये एंट्री हमें जो है यूज करना पड़ेगा ठीक है ये एंट्री हमें यूज करना पड़ेगा तो ये हमारा परचेस का एंट्री ये है जब हम लोग परचेस कर रहे हैं मार्केट से खुद का डिवेंचर खुद ही और ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये कैंसिलेशन का एंट्री ठीक है ये कैंसिलेशन का तो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे ठीक है अच्छा अब इसमें हमें और एक पॉइंट भी सीखना पड़ेगा तो एक और एक पॉइंट क्या है जब हम लोग डिवेंचर को परचेस करते हैं ना मार्केट से तब हो सकता है कि हमें डिवेंचर का जो मतलब इंटरेस्ट का पैसा दे के परचेस करना पड़े मतलब कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट होता है तो वो बताते हैं देखो कैसे हो रहा है मतलब ये कंसेप्ट पहले समझ लो क्या होता है जैसे मान लो कि कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट देती है सपोज सपोज डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है पेबल ऑन ऑन ठीक ठीक है है पेबल ऑफ 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 जून एंड ऐसे पे होता है मतलब ये मान लो थर्टी एथ ऑफ जून ये हो गया थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर कंपनी इस तरीके से इंटरेस्ट पे करती है सपोज ये एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कोई एक कंपनी है जिनका इंटरेस्ट डिवेंचर पे इंटरेस्ट देने का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि वो साल में दो बार इंटरेस्ट देती है एक बार सिक्स सिक्स मंथ्स के गैप में एक बार जून में और एक बार दिसंबर में ठीक है ये सिक्स मंथ्स का गैप हो रहा है जून के बाद जुलाई अगस्त सेप्टेबर अक्टूबर हाँ हो रहा है ठीक है अच्छा अब मान लो जैसे मैंने सेल परचेज का बात किया तो अब कंपनी तो अपना फिक्स्ड है वो यहाँ पर ही इंटरेस्ट देगी इसके आगे पीछे नहीं देती है ठीक है और इंटरेस्ट किसको देती है हमेशा डिवेंचर होल्डर को देगी ठीक है जो भी होल्डर है उन्हीं को मिलेगा ठीक है अब देखो यहां पर जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जैसे कि मिस्टर ए ठीक है ये डिवेंचर होल्ड कर रहे थे डिवेंचर होल्डर है इस कंपनी का ये एक मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है इनके डिवेंचर होल्डर है ठीक है अब ये अपना डिवेंचर होल्ड कर रहे हैं इनको पता है कि इनको जून में एक बार इंटरेस्ट मिल जाएगा दिसंबर में एक बार इंटरेस्ट मिल जाएगा अब क्या हुआ इन्होंने अपना डिवेंचर जो है आ, सेल कर दिया ठीक है कब सेल किया जैसे मान लो इन्होंने अपना डिवेंचर सेल कर दिया सपोज अः यहाँ पर जून है तो यहाँ पर ले लेते हैं थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च में ठीक है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च में इन्होंने अपना डिवेंचर जो है सेल कर दिया सेल डिचर ठीक है मान लो कंपनी ने ही परचेस किया या फिर कोई भी परचेस करे हम लोग पहले यहां पर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मान लो कि कंपनी ने ही इनसे अपना डिवेंचर परचेस किया और इन्होंने बेच दिया ठीक है अब इन्होंने कितने दिन होल्ड किया कितने दिन होल्ड किया मतलब ये एक तारीख है ठीक है ये है फर्स्ट ऑफ जैन तो इन्होंने हां पर खरीदा नहीं था मान लो इन्होंने पहले खरीदा था ठीक है या फिर यहां पर भी अगर खरीदे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एग्जाम्पल में तो हम ये बोलना चाह रहे अगर इन्होंने पहले खरीदा था तो पहले इनको इंटरेस्ट मिल चुका है दो बार ठीक है ईयरली टू टाइम्स मिल चुका है अब ये ईयर ये का स्टार्टिंग हुआ और इन्होंने सोचा कि हम अपना डिवेंचर बेच देंगे और ये काम इन्होंने कब किया ये काम इन्होंने थर्टी ऑफ मार्च को किया ठीक है तो बताओ कि उन्होंने बेचने के पहले कितने दिन होल्ड किया क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट उनको कब मिला होगा इसके पहले इसके पहले लास्ट इंटरेस्ट उनको कब मिला होगा अगर ये मान लो ये 2021 है ठीक है ये 2021 है तो लास्ट इंटरेस्ट इनको कब मिला होगा ये बताओ बोलो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा अगर ये ईयर टू है तो लास्ट इंटरेस्ट इनको कब मिला होगा दिसंबर उज टी को इनको लास्ट इंटरेस्ट मिल गया होगा ठीक है अच्छा अब ये क्या कर रहे हैं अब इन्होंने फिर से इतना दिन होल्ड किया होल्ड करने के बाद बेच दिया तो यहाँ से यहाँ कितना पीरियड हो रहा है जैन फेब मार्च थ्री मंथ्स हो रहा है ठीक है अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना डिवेंचर बेच दिया ठीक है मान लो कंपनी को ही बेचा और इसके बाद से होल्डिंग इनका नहीं रहा इसके बाद से होल्डिंग किसका हो गया इस पीरियड में होल्डिंग किसका है सपोज अगर कंपनी को बेचा है तो कंपनी का होल्डिंग है या फिर किसी और को बेचा है तो उसका होल्डिंग हो जाएगा ठीक है अच्छा अब क्या हुआ कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी सिक्स मंथ्स बाद तो किसको इंटरेस्ट मिलेगा बोल सकते हो मिस्टर ए को मिलेगा या फिर यहाँ पर जिन्होंने परचेस कर रखा है उनको मिलेगा इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी सपोज कि यहाँ पर इन्होंने सेल कर दिया है मिस्टर बी को ठीक है अब मुझे ये बताओ कंपनी का एक बार छोड़ो ठीक है अगर मिस्टर बी को बेच दिया है तो अभी कंपनी जब इंटरेस्ट देगी थर्टी जून को तो किसको देगी मिस्टर ए को या मिस्टर बी को जिसका ओनरशिप है उसी को मिलेगा ऑब्वियसली किसको मिलेगा अभी तो मैंने बोला जो होल्डर होता है उन्हीं को 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 मिलेगा 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 मिस्टर मिस्टर बी ए कैसे मिलेगा? उनके पास है ही नहीं का कोई भी प्रूफ उन्होंने तो बेच दिया मिस्टर बी को मिलेगा अब मुझे बोलो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर बी को मुझे एक चीज बताओ कितने दिन का उनको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी उनको कितने दिन का इंटरेस्ट देगी मिस्टर बी को छह महीने सिक्स मंथ्स का ही इंटरेस्ट देगी क्योंकि कंपनी तो अपना सिक्स मंथ्स मेंटेन करती है बीच में कौन किससे खरीद रहा है कौन किसको बेच रहा है इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं कंपनी देखेगी मेरे डिवेंचर होल्डर में नाम किसका है मिस्टर बी का है तो उनको मिल जाएगा लेकिन लॉजिकली अगर हम लोग देखें मिस्टर बी को एक्चुअली कितने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए जितना दिन उन्होंने होल्ड किया तो मार्च के बाद से देखो अप्रिल में जून इनको थ्री मंथ्स का मिलना चाहिए लेकिन इनको मिल गया कितने दिन का सिक्स मंथ्स का ठीक है क्योंकि कंपनी जो है ये नहीं देखेगी कि कौन तीन महीना लिया फिर तीन महीना ऐसा नहीं देखेगी वो अपना टोटल देखेगी ठीक है तो क्या होता है जब मिस्टर ए अपना डिवेंचर बेचेंगे तब इसके साथ वो अपना इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड कर देंगे मतलब मिस्टर मिस्टर बी को अगर ए से लेना है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा थ्री मंथ्स का ठीक है इंटरेस्ट थ्री मंथ्स का दे के डिवेंचर लेना पड़ेगा मतलब मिस्टर बी को जब सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा तब यहाँ पर लॉजिक क्या आएगा सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया मिस्टर बी को ठीक है लेकिन उन्होंने तो पहले ही थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट का अमाउंट मिस्टर ए को पे कर दिया था तो दोनों एडजस्ट हो जाएगा ठीक है जैसे मान लो कि इंटरेस्ट अगर सिक्स मंथ्स का हो रहा है सपोज सिक्स हंड्रेड रुपीज ठीक है सपोज सिक्स हंड्रेड रुपीज हो रहा है तो थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट उन्होंने पहले ही पे कर दिया होगा मंथली इंटरेस्ट मान लो कि हंड्रेड रुपीज करके एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब वो डिवेंचर का पे पेमेंट किए होंगे से जब परचेस किया उन्होंने मिस्टर ए से तो उन्होंने डिवेंचर का कॉस्ट तो दिया ही दिया मतलब डिवेंचर जो खरीदा उसका जो पेमेंट होता है वो तो किया ही उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी तीन सौ रुपए दिया होगा तब जाके मिस्टर बी का तीन सौ रुपए इंटरेस्ट होगा मतलब ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा मिल जाएगा ठीक है ना तो मिस्टर बी का कोई एक्स्ट्रा गेन होगा ना तो मिस्टर ए का कोई लॉस होगा ये अपना थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट पहले ही ले लेंगे ठीक है अब ये एग्जांपल के तौर पे थ्री मंथ्स है इससे कम ज्यादा भी हो सकता है तो जब ऐसा होता है मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके अगर डिवेंचर का परचेज प्राइस हमें बता दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है जहां पर कॉस्ट को बताया जा रही है कि डिवेंचर कितने में बेच रहा है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस में होता है ठीक है मार्केट प्राइस जो है वो तो देना ही है जो परचेजर है उनको मतलब कॉस्ट यानी कि यहाँ पर मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस तो देना ही है प्लस क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ठीक है अब इंटरेस्ट के साथ अगर प्राइस बताए हुए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कम इंटरेस्ट जिसका मतलब होता है क्यूमलेटिव इंटरेस्ट और अगर अलग से बताया हुआ है कि हाँ मार्केट प्राइस इतना मतलब प्राइस कॉस्ट इतना दे दो इंटरेस्ट इतना दे दो अलग अलग बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक इंटरेस्ट प्राइस लेकिन इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा अब बोलने का अपना अपना तरीका है ठीक है कि हम लोग कॉस्ट अलग बोलेंगे इंटरेस्ट अलग बोलेंगे या दोनों को मिला के बोलेंगे मिला के बोलेंगे तो कम इंटरेस्ट और अलग अलग बोलेंगे तो एक इंटरेस्ट, ये लैंग्वेज यूज किया होता है क्वेश्चन में ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या करना है इंटरेस्ट हमेशा अलग दिखाना है कॉस्ट को हमेशा अलग दिखाना है जैसे इसमें अलग नहीं रहेगा तो हम लोग अलग कर लेंगे इसमें अलग रहेगा तो उसका वैसे यूज कर लेंगे ठीक है तो ये होता है कंसेप्ट कि हमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट इसीलिए पता होना चाहिए ठीक है तो जब भी हम लोग अपना डिवेंचर खरीदते हैं तो हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट दे के खरीदना हो तो उसके लिए हमारा एंट्री क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक है जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है वो अमाउंट इंटरेस्ट एक्रूड का जो अमाउंट है वो हमें पे करना पड़ेगा ठीक है अच्छा हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है जैसे देखो ये कब ऐसा कंडीशन नहीं अराइज होगा थर्टी एथ जून को ही मान लो मिस्टर ए ने इंटरेस्ट लिया उसके बाद ही बेच दिया तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं हो रहा है तो फिर वो डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इंटरेस्ट का पैसा दो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मान लो ये सेल अगर थर्टी एथ जून को होता है तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा जो पार्टी परचेस कर रहा है उसको ठीक है क्योंकि कुछ उन्होंने कोई होल्ड किया ही नहीं है जैसे यहाँ पर होल्डिंग पीरियड आ रहा है लेकिन होल्डिंग पीरियड अगर ऑकर नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ठीक है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा तभी ना पेमेंट करेंगे नहीं तो क्यों पेमेंट करेंगे ठीक है तो ये चीज हमें थोड़ा सा याद रखना है और इसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा जैसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑन जन 1 रम्मा लिमिटेड अह लिस्टेड कंपनी हैड 500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम पहला बात है कि लिस्टेड कंपनी है तो डी आर आर और डी आर आई बनेगा कि नहीं बनेगा लिस्टेड कंपनी का रूल्स क्या था देखो देख लो लिस्टेड कंपनी का रूल्स क्या था लिस्टेड कंपनी के केस में डीआरआर जो है यहां पर नहीं बनता है बट डी आर आई बनता है ठीक है डी आर आई बनता है तो डी आर आर नहीं बनेगा डी आर आई बनेगा जिसका रेट है ठीक है अब आगे बोल रहा है इनके पास जो डिवेंचर है वो कितना है फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ डिवेंचर हंड्रेड करके एक एक डिवेंचर का वैल्यू है आउटस्टैंडिंग मतलब इतना इनका लोन है तो लोन अमाउंट कितना हो गया फाइव हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड यानी कि फिफ्टी थाउजेंड का लोन है इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एनम मतलब ये जो डिवेंचर है इस पे इंटरेस्ट रेट है सिक्स परसेंट पर एन मतलब मतलब इंटरेस्ट दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विथ द विथ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द डायरेक्टर ऑफ फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन अच्छा तो कंपनी डिवेंचर रिडीम करने के लिए उनके डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया है कि ओपन मार्केट से डिवेंचर खरीदेंगे फिर उसको रिडीम कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो कब-कब खरीदा गया मार्च वन को 5000 एट फेस वैल्यू 98 कम इंटरेस्ट इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने कितने डिवेंचर खरीदे ये क्या है ये फेस वैल्यू बता रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर बोल सकते हो कितना डिवेंचर खरीदा गया अगर ₹5000 के फेस वैल्यू के डिवेंचर खरीदे गए जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है 98, तो मुझे ये बताओ कि कितने होंगे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बोल पाओगे फाइव थाउजेंड फेस वैल्यू है तो कितना सारा डिवेंचर परचेज हुआ मार्केट से मतलब कोई भी कुछ नहीं बोल पाओगे पांच हजार फेस वैल्यू बोल तो रहे बार बार फेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना है इसका एक फेस वैल्यू अगर सौ रुपए है तो पांच हजार मतलब कितना सारा डिवेंचर ये सब तो बच्चों जैसा क्वेश्चन फाइव लैख ये रुपीज में रुपीज क्यों मल्टीप्लाई होगा फिफ्टी थाउजेंड मतलब फिफ्टी डिवेंचर देखो फिफ्टी होगा ना अगर किसी के पास पांच सौ डिवेंचर है ये बता रहा है तो फिफ्टी थाउजेंड फाइव लैख कैसे मार्केट से खरीदेगा है ना ये तो सोचो अगर कंपनी के पास है ही पांच सौ डिवेंचर उसने इशू कर रखा है जो इशू है उसी में से तो वो मार्केट से खरीद सकता है तो मैक्स टू मैक्स 500 सौ डिवेंचर खरीद सकता है उससे कम उससे ज्यादा खरीद सकता है कभी नहीं और पैसे के साथ पैसा मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है ये तो नॉर्मल बात है पांच हजार फेस वैल्यू कहाँ से आया ये कितने डिवेंचर हो रहा है पांच सौ इंटू हंड्रेड, हंड्रेड क्या है एक डिवेंचर का फेस वैल्यू अगर सौ रुपए है तो पांच हजार फेस वैल्यू मतलब कितना डिवेंचर है ये तो जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना ठीक है तो देखो यहाँ पर फिर मतलब इन्होंने फिफ्टी डिवेंचर यहाँ खरीदा यहाँ कितना डिवेंचर खरीदा होगा हंड्रेड से डिवाइड कर लो हंड्रेड डिवेंचर खरीद लिया फिर यहाँ पर कितना हो रहा है हंड्रेड से डिवाइड कर लो ट्वेंटी फाइव डिवेंचर खरीद लिया ठीक है अच्छा अब मार्केट प्राइस अलग अलग टाइम पे अलग था जैसे यहाँ नाइनटी था लेकिन ये रेट इंटरेस्ट के साथ बताया हुआ मतलब इसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड है वो हमें लेस करना पड़ेगा ये भी इंटरेस्ट के साथ बताया गया अमाउंट है ये हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट के साथ नहीं बताया गया है मतलब यही परचेस प्राइस है डिवेंचर का और इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन जून एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर सो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स ठीक है तो देखो क्या करना है मैं लेजर वेजर बनाना है और यहाँ पर बोल रहा है कि स्प्लिट करना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड हाफ ईयर हम बताते हैं वो कैसे होगा पहले हम लोग एक टाइमलाइन बना लेंगे ताकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ना पड़े इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए अच्छा तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन वन ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट जैन इनके पास फाइव हंड्रेड डिवेंचर है फर्स्ट ऑफ जैन इनके पास है फाइव हंड्रेड डिवेंचर यह नंबर है ठीक है अगर नंबर नहीं होगा ना तो उसके आगे रुपीज लिखा हुआ रहेगा फाइव हंड्रेड डिवेंचर एट द रेट ऑफ हंड्रेड एट द रेट ऑफ हंड्रेड और ये है सिक्स uh, परसेंट पर एन एम ठीक है और फाइव हंड्रेड डिवेंचर एट द रेट ऑफ हंड्रेड सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पर एनम पर एनम नहीं सॉरी सिक्स परसेंट बोला है हाँ पूरे साल में सिक्स परसेंट होगा लेकिन जो पे करने का तरीका है वो है हाफ ईयरली ठीक है हाफ ईयरली बोला है ठीक है अच्छा अब यहां पर नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दे दिया ये हम लोग का क्या है ओपनिंग बैलेंस होगा क्यों ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ बोला नहीं है कि इस डेट पे इशू हुआ है मतलब मतलब पहले से ही इशू था हैड हैड मतलब है इनके अकाउंट में है इतना अकाउंट में शो हो रहा है मतलब इतना लाइबिलिटी ऑलरेडी है तो इशू कभी हुआ होगा पता नहीं कब हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्वर्ड डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट कैसे कौन से कौन से डेट पे एक्वर किया है वो बता रहा है फर्स्ट मार्च को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मार्च अच्छा जैन के बाद यहां पर लिखते हैं फर्स्ट ऑफ मार्च कितना किया इन्होंने 5, at face value. तो यहां पर लिखते हैं मतलब डिवेंचर ठीक है नंबर ऑफ डिवेंचर फिफ्टी हो गया एट द रेट ऑफ नाइनटी एट कम इंटरेस्ट हम सी आई लिख देते ठीक है कम इंटरेस्ट अच्छा अब जैसे ही हम लोगों ने परचेस किया डिवेंचर हमें क्या करना पड़ेगा इमीडिएट कैंसिलेशन होता है ठीक है परचेस कर लिया हम लोगों ने और परचेस करने के टाइम पे हो सकता है हमें इंटरेस्ट पे करना हो तो इंटरेस्ट पेबल जो होगा वो पे करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको कर देंगे कैंसिल ठीक है उसके बाद उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है फर्स्ट मार्च को फिर फर्स्ट अगस्त नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट ऑफ अगस्त यहां पर हम लोगों ने कितना डिवेंचर परचेज किया है टेन थाउजेंड फेस वैल्यू तो यहाँ पर लिखते हैं टेन थाउजेंड फेस वैल्यू तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड तो ये हो गया जीरो जीरो कैंसिल हंड्रेड डिवेंचर ठीक है हंड्रेड डिवेंचर एट द रेट ऑफ पता रखा होगा देखो नाइन हंड्रेड पॉइंट टू फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फाइव ये कम इंटरेस्ट है ठीक है मतलब इंटरेस्ट पे किया है हम लोगों ने तो इंटरेस्ट पेबल कितना है वो कैलकुलेट करेंगे ठीक है और उसके बाद एंट्री डालेंगे फिर कैंसिलेशन का एंट्री डालेंगे अच्छा फर्स्ट अगस्त हो गया इसके बाद फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर ठीक है फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फेस वैल्यू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फेस वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ डिवेंचर देख लेते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ डिवेंचर एट द रेट ऑफ नाइंटी एट पॉइंट फाइव एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर ड्यू हो रहा है तो पे तो करना पड़ेगा लेकिन इसमें इन्होंने डिवेंचर के प्राइस में उसको ऐड नहीं करके बताया अलग से बताया ठीक है तो ऐड नहीं है तो लेस नहीं करना पड़ेगा अभी करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छा अब ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है डिवेंचर इंटरेस्ट पे होता है आ, साल में दो बार थर्टीएथ जून और थर्टी फर्स्ट डिसंबर तो थर्टी जून कब आया होगा थर्टीएथ जून आया होगा हम लोग का यहां पर देखते हैं। थर्टीएथ जून कब आया होगा थर्टीएथ जून मार्च यहां पर आएगा अगस्त के पहले ठीक है तो यहां पर लिखते हैं थर्टीएथ जून इंटरेस्ट और इसके बाद थर्टी फर्स्ट मतलब फिफ्टीन के बाद ही आएगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर इंटरेस्ट ठीक है ये कौन सा इंटरेस्ट है डिवेंचर पे दिया गया इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट ठीक है डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा अच्छा अब ये ये जो अभी हम लोगों ने लिख लिया जो ड्रॉ कर लिया बस इसी को हमें फॉलो करके क्वेश्चन का आंसर करते जाना है ठीक है अब हम लोग को क्या क्या लेजर बनाना पड़ेगा एक तो हम लोग बनाएंगे डिवेंचर का अकाउंट क्योंकि डिवेंचर का डिटेल्स है तो एक डिवेंचर अकाउंट तो बनेगा तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट अच्छा और क्या बनना चाहिए ओन डिवेंचर अकाउंट क्योंकि एंट्री तो हमें वही बता रहा है ना अगर हम लोग मार्केट से अपना डिवेंचर परचेस कर रहे हैं एक तो ये परचेस होगा ओन डिवेंचर अकाउंट एक बैंक अकाउंट हो सकता है एक डिवेंचर अकाउंट होगा तो यहां पर सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट नेक्स्ट लिखेंगे ओन डिवेंचर अकाउंट अच्छा फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ये इतना रहने देते हैं फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बस ये कुछ अकाउंट्स बनाने से हो जाए ठीक है तो यहाँ पर स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर अच्छा यहाँ ने एक चीज बोला है आ, बोल रहा है कि स्प्लिटिंग इन टू फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ईयर्स मतलब बोल रहा है कि सिक्स मंथ्स के बेसिस पे अकाउंट को बनाओ मतलब ये क्या कोई नया चीज होगा नहीं देखो हम लोग अगर नॉर्मल भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सिक्स मंथ्स का स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है मतलब सिक्स मंथ्स हमें दिखाने के लिए बोल रहा है सिक्स मंथ्स का अकाउंट फिर उसके बाद सिक्स मंथ्स का अकाउंट हमें दिखाने के लिए बोला गया तो अगर हम लोग एक साथ भी करते हैं तो भी वो और देखो सिक्स सिक्स मंथ्स का तो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को क्या करना है सिक्स मंथ्स बेसिस पे इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके दिखाना है तो ठीक है हम नॉर्मली करते फिर बता देंगे अगर सिक्स मंथ्स के बेसिस पे हम लोग करते तो वो देखने में कैसे होगा ठीक है बाकी कैलकुलेशन वगैरह सेम होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं है अच्छा देखो अभी हम लोग यहाँ से यूज करके कर सकते हैं ये बन गया 500 हंड्रेड डिवेंचर हंड्रेड रुपीज हम लोग डिवेंचर अकाउंट में इसको लिख देते हैं देखो बाई बैलेंस बी डी बोल के यहाँ पर आ, कब है फर्स्ट जन बाई बैलेंस बी डी बाई बैलेंस बीटी 500 फाइव हंड्रेड करके नंबर ऑफ़ फाइव हंड्रेड हंड्रेड रुपीज करके ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोगों का बोला है कि डिवेंचर मार्केट से परचेज किया है कंपनी ने ठीक है तो इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा अच्छा तो देखते हैं कितना डिवेंचर परचेज किया है डिवेंचर परचेज हुआ है फाइव फिफ्टी डिवेंचर फाइव थाउजेंड फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट पे करना है फिर इसके बाद कैंसिलेशन करना है ठीक है तो हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे क्योंकि उसके बिना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है वर्किंग नोट नंबर वन अभी हम लोग देखेंगे कि कितने सारे डिवेंचर हम लोगों ने परचेज किए तो देखो कितना सारा डिवेंचर परचेज हुआ है फिफ्टी uh, डिवेंचर नाइन्टी एट करके ठीक है फिफ्टी मैंने रुपीज कैलकुलेट कर लिया है इस नंबर uh, मैंने कैलकुलेट कर लिया है अदरवाइज यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है वहां कैलकुलेट कर लिया है तुम लोग चाहो तो यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो फिफ्टी डिवेंचर परचेज किया है नाइन्टी एट करके ठीक है तुम लोग वो ड्रॉ देख के ही करना अभी मेरा क्या हो रहा है ना पेज को मुझे तीन चार पेज पीछे जाना पड़ रहा है तो इसीलिए हम एक काम कर रहे हैं यहाँ से देख के कर रहे हैं लेकिन ड्रॉ करने का मतलब यही होता है टाइम लाइन ताकि वहां से देख के हम लोग कैलकुलेट कर पाए अभी मेरे लिए ये कम टाइम टेकिंग होगा तो इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग परचेस कर रहे हैं इतने में ठीक है तो ये कितना हो रहा है कितना खर्चा हुआ होगा परचेस करने पे 15 इन टू नाइनटी एट फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड लेकिन ये क्या है कम इंटरेस्ट है सी ठीक है मैंने शॉर्टकट में लिख दिया सी यानी कि ये कम इंटरेस्ट है अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा ठीक है अब इंटरेस्ट ये कौन सा वाला है हम लोग परचेस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट शायद हमें पे करना पड़ा हो अब इंटरेस्ट पे करना पड़ा है कि नहीं कैसे पता चलेगा देखो कंपनी इंटरेस्ट कब देती है जून को और दिसंबर को ठीक है तो जिन्होंने अपना डिवेंचर यहां पर सेल कर दिया ठीक है उनको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा बोलो उनको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा जिन्होंने अपना डिवेंचर हाँ बोलो थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर को ही मिला होगा उसके बाद तो मिलने वाला था यहाँ पर ठीक है लेकिन उसके पहले उन्होंने बेच दिया तो उनको जब हम लोग जब कंपनी ने ऐसे कंडीशन में परचेस किया है तो कंपनी जो इंटरेस्ट देगी जिनसे परचेस करा उनको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को जितना दिन उन्होंने होल्ड कर रखा इंटरेस्ट मिलने के बाद तो कितना होगा बताओ टाइम पीरियड जैन फेब फर्स्ट है ना मार्च तो कितना होगा दो महीना टू मंथस हाँ दो महीना

लो कितना होगा? ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। तो कम इंटरेस्ट से अगर हम लोग इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि सिर्फ डिवेंचर का परचेज प्राइस कितना था वो था फोर एट फाइव जीरो ठीक है ये हो गया हम लोगों का परचेज प्राइस उससे हम लोगों ने इंटरेस्ट को आ, उससे हम लोगों ने इंटरेस्ट को हटा दिया ठीक है अब ये वाला एंट्री हमें पोस्ट करना है तो सबसे पहले जब हम लोग परचेस करते हैं तो क्या एंट्री लिखते हैं परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ये देखो अभी एंट्री मैंने लिख के दिखाया ना तुम लोग को एंट्री क्या लिखना चाहिए ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो इसमें कौन सा प्राइस आएगा ये नाइनटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट का परचेज प्राइस है ठीक है तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए हम यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते देखो एंट्री क्या होना चाहिए ओन चर अकाउंट डेबिट ठीक है कितना हो जाएगा फोर एट फाइव जीरो यहां पर हम लोग सिर्फ जो है परचेस प्राइस देंगे और इंटरेस्ट पेबल जो है उसको हमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा फिफ्टी रूपीज टू बैंक तो हम लोगों ने टोटल पेमेंट जरूर फोर नाइन जीरो जीरो किया है लेकिन ये डिवेंचर का परचेस प्राइस था और ये इंटरेस्ट था तो ये टू बैंक हो जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग इसका अगर पोस्ट करेंगे तो इसका पोस्ट कैसे हो जाएगा इसका पोस्टिंग कुछ ऐसे होगा ये देखो ओन डिवेंचर में हमें लिखना पड़ेगा ठीक है तो बैंक में जाएगा अगर बैंक अकाउंट बनाया है मैंने और ओन डिवेंचर में जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो कैसे होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो यहां पर ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ये ओन डिवेंचर है तो ओन डिवेंचर में हम लोग लिखेंगे टू बैंक ये कौन सा डेट है फर्स्ट ऑफ मार्च यहां से देख रहे हैं क्योंकि यहां पर मेरा आसान हो रहा है फर्स्ट ऑफ मार्च को हम लोग लिखेंगे टू बैंक कितना फोर एट फाइव जीरो ठीक है फोर एट फाइव जीरो अच्छा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में भी लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक बैंक लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ मार्च टू बैंक कितना हो जाएगा फिफ्टी रुपीज ठीक है और बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं है अगर हम लोग बैंक अकाउंट बनाते तो उसमें भी ये लिखना पड़ता ठीक है तो ये टू बैंक लिख दिया अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा कैंसिल ये तो हो गया एंट्री हम लोगों ने कर दिया बैंक अकाउंट नहीं बनाए तो करने का जरूरत नहीं है अब हमें क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेबल ये भी कैलकुलेट कर लिया अब कैंसिल कैंसिल का एंट्री क्या होता है कैंसिल का एंट्री ये देखो परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन यहां पर देखते हैं क्या कंडीशन हो रहा है ठीक है तो एंट्री क्या हो जाएगा ओन सॉरी डिवेंचर हो जाएगा जैसे सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंट्री देखो क्या होगा सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट जो डिवेंचर कैंसिल हो रहा है फिर हो जाएगा टू ओन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस हुआ तो लॉस देखते हैं कितना डिवेंचर कैंसिल हो रहा है फेस वैल्यू हमेशा लिखना पड़ता है डिवेंचर पांच हजार का कैंसिल हो रहा है ठीक है और उसके बदले हम लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ा ओन डिबेंचर हम लोगों ने कितने से खरीदा बोलो कितने से खरीदा परचेस प्राइस क्या था 4900. यहां से देख के 4900 नहीं होगा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना सिर्फ परचेस प्राइस लेना पड़ेगा अभी हम लोगों ने एंट्री भी तो इसका इसके पहले कितने से किया 4850 से ही किया अभी हम लोगों ने जो एंट्री किया वो भी तो 4850 से किया ना ये तो इंटरेस्ट का एंट्री है इंटरेस्ट का एंट्री यहां पर नहीं आएगा मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि पांच हजार डिवेंचर में हम लोगों ने कितना किया इंटरेस्ट तो इसीलिए देना है क्योंकि वो एक अगर इंटरेस्ट एक होता ऐसे टाइम पे हम लोग खरीदते तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट होगा हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपना प्राइस देखेंगे कि पांच के डिवेंचर को हम लोगों ने कितने से खरीदा ऑब्वियसली इतने से खरीदा लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना तो इंटरेस्ट तो अलग कंसेप्ट हुआ कि इंटरेस्ट इसीलिए दे रहे क्योंकि उन्होंने उन्होंने कुछ टाइम होल्ड किया था तो वो तो अलग हो गया हम अगर हमें पर, फिर ये माइनस करने का जरूरत नहीं होता ना ये हमें अलग से निकालना है ये क्या है ये है कॉस्ट डिवेंचर का कॉस्ट ठीक है मतलब ये हो गया सिर्फ परचेज प्राइस परचेज प्राइस ठीक है परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा तो ये परचेज प्राइस कितना हो गया फोर अब बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना प्रॉफिट हुआ प्रौफित माइनस करने से ही पता चलेगा कितना हो रहा है 150 150 अब इसका हम लोग पोस्ट कर देंगे ठीक है इसका पोस्ट कर देंगे तो इसका पोस्ट कैसे होगा सिक्स परसेंट डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन फर्स्ट ऑफ मार्च फर्स्ट ऑफ मार्च में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू सबसे पहले ये लिख लेते टू ओन डिवेंचर फोर एट फाइव जीरो और सेम डेट पे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या फिर टू पी एल बोल के भी लिख सकते हो तो ये हो गया वन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया सेम ऐसे ही हमें बाकी भी करना है ठीक है ये हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अब थर्टी जून आ गया देखो अब हम लोग टाइम के साथ भी तो चलना पड़ेगा यहां से हम लोग ऐसे कर रहे थे अब हो गया थर्टी जून अब कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी ठीक है कंपनी इंटरेस्ट देगी सबसे पहले तो ये टाइमलाइन देख के बताओ कि कंपनी को कितने डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बोलो कितने डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना डिवेंचर है कितना डिवेंचर है क्या कुछ कम बेसी हुआ है हुआ है ना यहाँ पर परचेस करके कैंसिल कर दिया तो अभी कंपनी को कितने डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताओ टाइमलाइन ड्रॉ की हो ना तो अपना देख के बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर टू थर्टी जून का यहाँ पर ये हुआ फर्स्ट ऑफ मार्च का बोलो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को डिवेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट देगा बोलो बोलो पहले कितने नंबर ऑफ बचे वो तो बोलो। मैंने तो बोला कैंसिल हो गया ना ये तो तुम लोग को भी दिख रहा होगा कैंसिल हुआ बोलो कितने डिवेंचर होल्डर बचे 450. 450? फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव हंड्रेड में से फिफ्टी डिवेंचर मेरा कैंसिल हो गया तो बच रहा है कितना

हम्म hmm, 1350 ठीक है तो ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा अच्छा अब ये जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसका एंट्री क्या होना चाहिए ये क्या हो रहा है ये कंपनी किसका इंटरेस्ट दे रही है कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट मतलब जो है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना तो ओन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पर सॉरी ओन डिवेंचर पे बोल रहा है जो कंपनी का डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो क्या एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री हो जाएगा फर्स्ट ऑफ uh, ये कब का होगा थर्टीएथ जून का थर्टीएथ जून का एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक है और अमाउंट आ रहा है वन थ्री फाइव जीरो वन थ्री फाइव जीरो वाला एंट्री हो जाएगा टू बैंक बोल के वन थ्री फाइव जीरो थर्टी जून को तो हम लोगों का यहां तक कंप्लीट हो गया इसके बाद कौन सा डेटा है फर्स्ट अगस्त अब वैसे ही चलेगा ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं अगर तुम लोग बोल पा रहे हो तो देखो फर्स्ट अगस्त में फिर क्या हुआ फिर से परचेस हो गया फिर इंटरेस्ट देना है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा तुम लोग वर्किंग नोट में चलते हैं पहले वर्किंग नोट नंबर थ्री फर्स्ट अगस्त का बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर थ्री फर्स्ट अगस्त का वर्किंग नोट बनेगा तो परचेज हुआ है ठीक है तो देखो कितने में परचेज हुआ है यहां से देख के लिख देते हैं आ, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हुआ टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड किया था हम लोगों ने हंड्रेड डिवेंचर परचेज हुए हैं मार्केट में प्राइस है इंटरेस्ट के साथ बताया गया प्राइस है हंड्रेड पॉइंट टू फाइव ठीक है तो यहां पर हम लोगों का कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस मिलेगा लेकिन हमें क्या करना है हमें तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट देखना है तो ठीक है एक बार चेक करते हैं कितना होता है वन जीरो जीरो टू फाइव ये है कम इंटरेस्ट ठीक है तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया तो इंटरेस्ट जैसे ही लेस कर देंगे हमें मिल जाएगा परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट यही हमें चाहिए ठीक है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ये हमारा परचेस प्राइस है बट विथ कम इंटरेस्ट इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट को लेस करेंगे अब इंटरेस्ट कितना होगा ये समझना पड़ेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितना होगा तो देखो जिन्होंने यहाँ पर अपना डिवेंचर सेल किया है उनको इंटरेस्ट कब मिलता यहाँ पर आके मिलता ठीक है यहां पर लास्ट उनको इंटरेस्ट मिला अब उनको इंटरेस्ट यहां पर आके मिलता लेकिन उन्होंने बेच दिया तो यहां पर इंटरेस्ट उन्हीं को मिलेगा जो ऑन दैट मोमेंट डिवेंचर होल्डर होंगे तो अब जो भी इनसे यहां पर खरीद रहा है वो कितने दिन का इनको इंटरेस्ट देगा जितना दिन इन्होंने होल्ड किया इसके बीच में बोलो थ्री मंथ हो रहा है जून के बाद जुलाई मंथ हो रहा है ना देखो एक तारीख है अगस्त का थर्टीएथ जून है तो जून जुलाई अगस्त ऐसे मत कैलकुलेट करो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा जून खत्म जून को इंटरेस्ट मिल गया था उसके बाद पूरा जुलाई होल्ड किया वन मंथ पूरा जुलाई होल्ड किया फर्स्ट अगस्त को बेच दिया वन मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को ठीक है अगर डिवेंचर लेना है तो वन मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट वन मंथ का हो जाएगा कितने सारे डिवेंचर है हंड्रेड डिवेंचर फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है इसीलिए हंड्रेड होगा सिक्स परसेंट रेट चल रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वन मंथ है तो वन बाई ट्वेल्व अब देख लो कितना होता है, आ रहा है। मेरा तो डायरेक्ट आ गया फिफ्टी रुपीज आ रहा है पॉइंट तो नहीं आ रहा है टेन थाउजेंड अगर डिवाइड ट्वेल्व पहले करोगे तभी शायद पॉइंट आ रहा है सिक्स परसेंट हाँ नहीं तब भी नहीं आएगा फिफ्टी आ रहा है डायरेक्टली वन जीरो जीरो टू फाइव माइनस फिफ्टी ठीक है तो ये आ गया नाइन नाइन फाइव ठीक है अब हम लोग फिर से एंट्री करेंगे परचेस करने का पहले एंट्री करेंगे तो करने का इंट्री क्या होता है हमेशा यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा फेस वैल्यू मतलब जो एक्चुअल प्राइस है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना है फिफ्टी रुपीज टू क्या हो जाएगा बैंक अब हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे तो वन जीरो जीरो टू फाइव अब हम लोग इसको पोस्ट करते हैं यहां पर सेम तरीके से ही होगा ठीक है अब हम लोग यहां पर लिखेंगे ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट टू बैंक तो यहां पर हो जाएगा ओन डिवेंचर टू बैंक यहां पर लिखेंगे डेट कौन सा है डेट है हम लोग का फर्स्ट अगस्त टू बैंक कितना हो जाएगा ये वाला फाइव ठीक है अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक रुपीज ठीक है अच्छा अब हमें नेक्स्ट एंट्री क्या होगा कैंसिलेशन ये देखो अब इसके बाद क्या करना पड़ता है इमीडिएट कैंसिलेशन तो कैंसिलेशन का एंट्री क्या होगा ओन डिवेंचर डेबिट हुआ तो ओन डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा तो एंट्री ऐसे हो जाएगा टू ओन डिवेंचर अकाउंट जो कि पहले जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट होगा और डिवेंचर कैंसिल होगा तो सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो ये तो हमेशा फेस वैल्यू से ही होना चाहिए तो टेन थाउजेंड रुपीज का डिवेंचर कैंसिल हो रहा है और वो भी कितना पेमेंट करके ओन डिवेंचर कितना आया नाइन नाइन सेवन फाइव ठीक है नाइन नाइन सेवन फाइव तो प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन पीएल बोल के भी लिख सकते हैं टेन थाउजेंड माइनस कर दो ट्वेंटी फाइव रुपीज का प्रॉफिट है ठीक है अब इसका पोस्ट करेंगे इसको पोस्ट करेंगे सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ अगस्त को टू ओन डिवेंचर नाइन नहीं सिक्स परसेंट डिवेंचर टू ओन डिवेंचर हाँ नाइन नाइन सेवन फाइव और सिक्स परसेंट डिवेंचर टू पी एल तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ये हो गया हम लोग का ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है तो ये पोस्ट हो गया अब ओन डिवेंचर अगर कुछ बना हुआ है तो वहां पोस्ट कर देना चाहिए तो ये ओन डिवेंचर हम लोग का बना हुआ है यहाँ पर तो इसका तो पोस्टिंग हो चुका है सिक्स परसेंट डिवेंचर टू ओन डिवेंचर अच्छा इसमें मैंने पोस्ट कर दिया पीएल में भी पोस्ट कर दिया है ठीक है और तो कुछ नहीं होगा ये तो पोस्ट हो चुका है अच्छा अब इसके बाद क्या करना है कैंसिलेशन भी हो गया फिर फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर आ रहा है सेम तरीके से फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर को फिर से हम लोगों मतलब ने मतलब कंपनी ने परचेस किया है वर्किंग नोट नंबर फोर वर्किंग नोट नंबर फोर ठीक है फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर परचेज प्राइस परचेज प्राइस कितना है देखो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब आ, 25 फाइव इंटू नाइंटी एट पॉइंट और अभी ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस हमें दे दिया गया है तो इसमें से इंटरेस्ट हमें लेस करने का जरूरत नहीं होगा टू फोर सिक्स टू पॉइंट फाइव ठीक है ये एक्स इंटरेस्ट है तो इसमें से हमें इंटरेस्ट लेस करने का जरूरत नहीं हुआ लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा 6 into. कितने मैंने होल्ड किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो देखो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनको भी लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पर ही मिला था इतने दिन होल्ड करने के बाद बेच दिया तो इसका मतलब इतने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो बोलो कितना टाइम पीरियड होगा यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड कितना होगा 5.5 जून खत्म जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हाँ 5. 5, 5. 5 होगा. इतने दिन का इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो 5.5 का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो इस पे 5.5 बाई ट्वेल्व करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव इंटू वन हंड्रेड इंटू सिक्स ये लेस करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये लेस है ठीक है हमें नॉर्मली ये दोनों वैल्यू एडेड वाले बताए जाते हैं अब हमें क्या करना है हम लोग को अपना एंट्री करना है एंट्री क्या होगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हम लोगों ने 2462.5 रुपीस टू से डिवेंचर खरीदा ठीक है अच्छा और इंटरेस्ट भी दिया इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 68.75 रुपीस दिया, ठीक है? और यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट फिर कितना किया ऐड करने से पता चल जाएगा अच्छा ये मेरा कैलकुलेशन सही है तो 25 फाइव इंटू नाइनटी एट ठीक है प्लस सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव तो ये हो रहा है टू फाइव थ्री वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक अच्छा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक लिख लेते हैं फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू बैंक ये हो गया सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव और ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ओन डिवेंचर में लिखेंगे टू बैंक ऑफ टू बैंक टू फोर सिक्स अब इसके बाद क्या होगा कैंसिलेशन होगा तो कैंसिलेशन होगा तो ओन डिवेंचर रिवर्स हो जाएगा टू ओन डिवेंचर सिक्स परसेंट डिवेंचर लोन कैंसिल होगा सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट अच्छा लोन कितने का है लोन तो ये वाला है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ठीक है तो लोन हो गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कैंसिलेशन कर रहे हैं टू फोर सिक्स टू पॉइंट फाइव पे तो प्रॉफिट है टू पी एल माइनस करो टू फाइव डबल जीरो माइनस टू फोर सिक्स टू पॉइंट फाइव तो ये हो गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है अब इसका पोस्ट करेंगे सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट यहां पर जाएगा टू ऑन डिवेंचर अच्छा जगह कम हो गया थोड़ा सा फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर टू ओन डिवेंचर टू फोर सिक्स टू पॉइंट फाइव और टू पी एल टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है ये हो गया अच्छा और तो कुछ नहीं करना है हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया अच्छा अब ये देखो यहां तक हो गया अब इसके बाद थर्टी फर्स्ट आएगा और कंपनी इंटरेस्ट देगी डिवेंचर होल्डर को देगी ठीक है यहाँ पर आया थर्टी फर्स्ट क्योंकि वहां तक हमें कैलकुलेशन पूरा करने के लिए बोला गया है थर्टी फर्स्ट डिसंबर कंपनी देगी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट टू तो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर जितने भी बचे हैं उनको इस डेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना इंटरेस्ट मिलेगा जितने डिवेंचर होल्डर है पहले ये देखो कितने डिवेंचर होल्डर बच रहे हैं तो यहाँ पर 500 था उससे कितना लेस हो गया 50 फिर कितना लेस हो गया 100 फिर कितना लेस हो गया 25 तो कितने बचे 500 से 50 100 और 25 मतलब कितना होता है 175 लेस हो रहा है है ना कितना होगा 325 अच्छा 500. माइनस वन सेवेंटी फाइव यानी थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड इंटू सिक्स परसेंट और सिक्स मंथ्स का होगा इसमें तो काउंट करने का है कुछ नहीं क्योंकि सिक्स सिक्स मंथ्स में कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करती है तो फाइव हंड्रेड माइनस वन सेवेंटी फाइव जितना भी आ गया इंटू वन हंड्रेड इंटू सिक्स परसेंट डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इंटरेस्ट देना है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में लिखेंगे टू बैंक थर्टी december टू बैंक नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है अच्छा और तो कुछ नहीं है हम लोगों ने सारे कैलकुलेशंस जो है कंप्लीट कर लिया अब हमें क्या करना है बस क्लोज करना है तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा ये वाला हम लोगों का अगर हम लोगों ने पूरा फिफ्टी थाउजेंड तो कैंसिल नहीं किया है तो कुछ अमाउंट बच जाएगा कैसे पता चला फिफ्टी थाउजेंड कैंसिल नहीं किया है क्योंकि लास्ट में हमारा कितना डिवेंचर बचा बच थ्री सेवेंटी फाइव क्योंकि हम लोगों ने कितना कैंसिल किया वन सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड में तो बाकी डिवेंचर बच जाएगा तो बाकी कितना होगा पता है थ्री सेवेंटी फाइव इंटू वन हंड्रेड करने से जितना होगा उतना ही होना चाहिए तो चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर ये देखो फोर एट फाइव जीरो प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस नाइन नाइन सेवन फाइव 25, plus 246, .5, plus 37 .5. तो यहां पर टोटल हो रहा है थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि थ्री ट्वेंटी फाइव ही लास्ट बचा था डिवेंचर ये देखो ये माइनस करने से थ्री ट्वेंटी फाइव आया था ना तो थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड मतलब उतना ही बचेगा ठीक है तो यहाँ पर टोटल फिफ्टी थाउजेंड यहां पर जो बच रहा है थर्टी दिसंबर टू बैलेंस डी कितना थ्री ट्वेंटी फाइव डिवेंचर हंड्रेड रुपीज करके और बैलेंस करके भी हमारा उतना ही आया मतलब हम लोग का सही बना है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया मैंने अच्छा तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला अकाउंट क्लोज होगा ओन डिवेंचर ठीक है ओन डिवेंचर में हम लोगों ने क्या लिखा है फोर एट फाइव जीरो नाइन नाइन सेवन फाइव ये लिख दिया अच्छा अच्छा इसका ना शायद मैंने क्रॉस पोस्टिंग कम किया है यहां से मिल जाएगा ये देखो ओन डिवेंचर और यहाँ पर ये वाला नहीं किया फोर एट फाइव जीरो ये टू बैंक तो किया है मतलब ये तो पेमेंट के टाइम पे ड्यू में हम लोगों ने ये वाला नहीं किया सिक्स तो यहाँ पर होगा ना बाई सिक्स परसेंटर ये मैंने क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया मतलब हम लोग इसका एंट्री दो बार कर रहे हैं ना एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार हम लोग ड्यू कर रहे हैं तब हम लोग लिख रहे हैं कि जब हम लोग ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ये वाला कौन सा है ये जब हम लोग पेमेंट वाला एंट्री कर रहे हैं ठीक है थीके? और जो मतलब ओन डिवेंचर जब हम लोग परचेस कर रहे हैं ये तब आ रहा है एंट्री और और इसमें हमारा क्रॉस पोस्टिंग भी तो होना चाहिए तो ये सिक्स परसेंट डिवेंचर ये वाला बच गया ना ये वाला नहीं किया मैंने फोर एट फाइव जीरो ये टैली हो जाएगा फिर ऐसे ही फर्स्ट अगस्त को होगा बाई सिक्स परसेंट डिवेंचर देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ नाइन नाइन सेवन फाइव फिर फिफ्टींथ अगस्त बाई सिक्स परसेंट डिवेंचर तो ये हो जाएगा ये वाला टू फोर सिक्स टू पॉइंट फाइव ठीक है ये हम लोग का टैली हो जाएगा दोनों साइड टैली क्यों होगा क्योंकि हम लोगों ने खरीदा और उसके बाद कैंसिल कर दिया इसीलिए टैली हो रहा है ठीक है मतलब खरीदा जब ये इधर वही वाला दिख रहा है कि हम लोगों ने जब खरीदा तो कितना पेमेंट हुआ और जब हम लोगों ने इसका सेल मतलब इसको कैंसिल कर दिया तब फिर वो कैंसिल आउट हो गया ना तो यहाँ पर डिवेंचर के थ्रू से कैंसिल हुआ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ओन डिवेंचर उसके वजह से तो यहाँ पर ये परचेस किया तब एंट्री यहाँ पर पोस्ट हुआ और जब कैंसिल किया तब इधर भी तो पोस्ट हो रहा है ना तो ये वाला अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फिफ्टी रुपीज फिफ्टी रुपीज सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव तो ये हो गया वन सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव ये हमारा कहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए थर्टी फर्स्ट में क्योंकि इंटरेस्ट जो है पीएल में जाता है तो पीएल में चला जाएगा वन सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अच्छा और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये कितना हो रहा है वन थ्री फाइव जीरो प्लस नाइन सेवन फाइव तो ये हो गया टू थ्री टू फाइव और इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं पीएल में पीएल टू थ्री टू फाइव ठीक है तो कंप्लीट हो गया इस तरह पूरे चीज को ऐसे समझ में आएगा कि कैसे अच्छा और यहाँ पर जो बोला था कि अगर हम लोग इसको फर्स्ट और सेकेंड ईयर इस तरह से अगर हम लोग स्प्लिट करके करते हैं तो कैसे होगा वो भी हम बता देते देखो अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले जो सिक्स मंथ का ट्रांजेक्शन है ना मतलब ये देखो ये वाला हम दिखाते ये वाला ट्रांजेक्शन ये वाला ट्रांजेक्शन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर दिखा देंगे कि कितना डिवेंचर बच रहा है क्योंकि देखो हमें क्या करने के लिए बोला है फर्स्ट ईयर कब कंप्लीट होगा ये complete हो जाएगा हमारा जून तक तो इसका मतलब देखो यहाँ पर आ, फर्स्ट मार्च का ही आएगा उसके बाद अगस्त तो अगस्त आ रहा है मतलब जून के बाद का एंट्री हो गया मतलब इस अकाउंट में हमारा इतना एंट्री हो जाता फिफ्टी थाउजेंड तक और यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करते तो फोर एट फाइव जीरो प्लस वन फिफ्टी तो ये बनता माइनस अगर हम लोग इसको है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड होता है मतलब यहां पर हम लोग एक एंट्री कर देते थर्टी एथ जून का और यहाँ पर क्या लिखते हैं टू बैलेंस सी डी बोल के क्या कितना लिखना पड़ता हमें अभी अभी जो अमाउंट कैलकुलेट किया मैंने फोर्टी फाइव थाउजेंड मतलब इतना डिवेंचर बाकी है ठीक ऐसे हो जाता मतलब सिक्स मंथस का बन गया ये जैसे मैंने एक ही जगह पे कर दिया सिक्स मंथस का हो गया अब इसे हमें फिर से और एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें हम लोग उसे ब्रॉड डाउन करते हैं ऐसे करके बाई बैलेंस बी डी दूसरा एक अकाउंट बनता है यहाँ से स्प्लिट हो जाता सेम नाम पे और यहाँ पर आ जाता फोर्टी ठीक है फिर यहाँ पर क्या होता अगस्त सितंबर अगस्त और दिसंबर वाला एंट्री हो जाता और उसके बाद यहाँ पर कितना बचता थर्टी टू फाइव हंड्रेड कैसे ये देखो फोर्टी फाइव थाउजेंड से अगर ये सब माइनस करोगे तो थर्टी टू फाइव हंड्रेड ही आएगा बस ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा सिक्स मंथ्स का मतलब और कुछ नहीं जून तक का एक जगह दिखाना है और बाकी जून से मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक का एक जगह तो वैसे इसका भी हो जाता ओन डिवेंचर जो अकाउंट मैंने बनाया उसमें भी हमारा ये एक सेपरेट हो जाता है यहां तक ठीक है बाकी ये दोनों अलग एक अकाउंट में मतलब यहाँ पर मान लो फिर से हम लोग लिख लेते ओन डिवेंचर तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाता फिर ये आगे क्लोज हो जाता ठीक है और कुछ नहीं मतलब जून तक का एक जगह और यहाँ पर इस इस पे क्या आता इस पे भी वही ये ये वाला वाला जो है बाई पी बोल के पहले क्लोज हो जाता जाता कितने से 50 से फिर ये वाला आ जाता, और यहाँ पर बाईपीएल बोल के ये फिफ्टी और सिक्सटी का टोटल करके जितना था उतने में हम लोग इसे क्लोज कर देते मतलब दो पार्ट में होता इसमें दो दो बार अकाउंट ओपन करना पड़ेगा टाइम लगेगा अगर एग्जाम में ऐसे दे तो कर लो दो दो बार करके लेकिन मैंने एक ही बार में कर

ठीक है फिर हम लोगों ने ये नया प्रोसेस भी सीखा जो कि थोड़ा सा तुम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे कौन सा कर सकते क्वेश्चन वन हम लोग का हो गया टू भी हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री ये वाला शायद हो सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री हो सकता है फोर हम लोगों ने कर लिया है फाइव देखते हैं ठीक है थ्री थ्री चाहो तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं होमवर्क के लिए इलास्ट्रेशन थ्री ये होमवर्क में देख सकते हो ठीक है फिर आज इतना ही करती